सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन एप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए एप्स में मशहूर गेम गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। यार अगर तुम लोग फ्री फायर प्लेयर हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यार अभी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि जो हमारा फ्री फायर गेम है वो कब तक अनबैन होगा, ठीक है, मतलब कितना टाइम इसमें लगने वाला है। वैसे तुम लोग को अभी तक पता चली गया होगा कि जो हमारा फ्री फायर गेम है गैरिना फ्री फायर इल्यूमिनेट वो बैन हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बारे में कल मैंने वीडियो बना के बता दिया था, लेकिन यार कुछ बंदे बोले थे कि भाई हमारा नेटवर्क से वर्क कर रहा है, बैन वैन नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बोले हो, फेक फेक कमेंट कर रहे यार मेरे को। मतलब यार मेरा एकदम दिमाग घूम गया कि भाई देखो इतनी मेहनत करके इतनी रिसर्च करके एकदम जेन्युइन वीडियो लाया मैंने सबके लिए, अच्छे से न्यूज़ बताया, रियल न्यूज बताया, उसके बाद लोग मेरे को फेक कमेंट कर रहे हैं। एंड जो बंदे असलियत में जो फेक बना रहे थे ना, मतलब जो फोड़ा गेमिंग है एंड जो फैक्ट वाले चैनल है जिसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, आता पता कुछ नहीं है, ना रिसर्च किया ना कुछ किया ना कस्टमर केयर में कॉल लगा, कुछ भी वो लोग को पता नहीं, वो लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग को फुल सपोर्ट मिलता है। एंड मैंने जब जेन्युइन वीडियो बनाया, मैंने असलियत में बताया कि भाई देखो ये सीन है, पूरी ऐप की लिस्ट दिखाई, सब कुछ मैंने दिखा दिया, फिर भी गाइस यार मेरे को हेट मिला। मेरे को समझ में आया कि भाई यहाँ पर ये जो फ्री फायर कम्युनिटी है इसमें यार सच बोलने का यही सिला होता है क्या मेरे को, मतलब यार क्या बोलूं यार मेरे को बहुत ज्यादा कल गुस्सा है। वैसे आज तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो कल न्यूज बताया था वो एकदम 100% जेन्युइन है। एंड यार अभी जो तुम लोग को बताऊंगा ना वो भी एकदम 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, मैं पूरी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे कल मैंने जब तुम लोग को बताया था ना तो काफी बंदे बोल रहे थे कि भाई एयरटेल के नेटवर्क से अभी वर्क कर रहा है, भाई तुमने तुमको कुछ पता नहीं है, भाई तुम फेक वीडियो बना रहे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है, अभी कुछ टाइम के बाद जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर है ना उसके कोई भी हो, मतलब एयरटेल हो या फिर जियो हो या कोई भी हो, तुम लोग का यहाँ पर फ्री फायर वर्क नहीं करेगा। जब पबजी बैन हुआ था ना तब भी जब पबजी बैन की इन्फॉर्मेशन आई थी तो कुछ टाइम तक ना एयरटेल वाले जियो वाले सब यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग भी नेटवर्क प्रोवाइड करना बंद कर देते थे, पूरा इंडिया के अंदर ना यहाँ पर बैन हो गया था। एंड एक चीज़ मैं तुम लोग को और बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो यूट्यूबर है ना वो बोल रहे हैं कि भाई VPN लगा के यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूँ कि अगर कोई ऐप इंडिया के अंदर बैन है, कोई भी कंट्री के अंदर बैन है ना, तो उसको जैसे भी करके एक्सेस करना, उसको यूज़ करना ना इल्लीगल है, ठीक है। एंड वो जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं वो लोग यार इल्लीगल चीज़ बता रहे हैं, तुम लोग को उसकी बात नहीं सुननी है, तुम लोग को फ्री फायर नहीं खेलना, ठीक है, क्योंकि यार हमारे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन किया। एंड गवर्नमेंट का अगर कोई चीज़ आदेश आता है ना तो उसको हम लोग को मानना चाहिए, अगर कहीं उनकी आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है। वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि जो हमारा गेम है वो हम लोग ना खेले, हम लोग गेम ना खेले इसलिए वो लोग ने बैन किया, वो लोग ने हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बैन किया। अब क्यों बैन किया उसका रीज़न मैं तुम लोग को बताऊंगा। एंड यार ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बैन किया, ठीक है, यहाँ पर भाई सब यहाँ पर थंबनेल पे लगा रहे मोदी जी, तो तुम लोग को लग रहा हो कि भाई मोदी जी ने बैन कर दिया, भाई बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, IT सेल ने बैन किया। अब क्यों बैन किया सब मैं तुम लोग को बताऊंगा। एंड यार बैन हुआ तो टेंशन लेने की काहे को बात है, मैं तुम लोग को समझा के थक गया कि भाई तुम लोग ना फ्री फायर मैक्स को खेल सकते हो, फ्री फायर मैक्स बैन नहीं हुआ, मैं तुम लोग को बता दूं। क्योंकि यार देखो मैंने एयरटेल के कस्टमर केयर पे कॉल लगाया, दो बार कॉल लगाया, एक बार तो पूछने के लिए कॉल लगा कि भाई बैन हुआ, वो लोग ने बता दिया बैन हुआ, दूसरी बार इसलिए कॉल लगा कि जो हमारा फ्री फायर मैक्स है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि जो यहाँ पर 54 यहाँ पर ऐप्स की लिस्ट आई है ना उसी को बैन किया गया, मतलब 54 ऐप लिस्ट में ना जो हमारा फ्री फायर मैक्स है उसका नाम नहीं है, मतलब फ्री फायर मैक्स को तुम लोग खेल पाओगे। एंड फ्री फायर जो है और फ्री फायर मैक्स है एकदम डिट्टो सेम है, बस थोड़ा सा ग्राफिक्स का चेंज है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर ना हाई एंड तुम लोग को फोन चाहिए अगर तुम लोग अच्छे ग्राफिक्स में खेलना चाहते हो, लेकिन यार अगर तुम लोग ना फ्री फायर को स्टैंडर्ड में खेलते थे तुम लोग स्मूथ में खेलो ना यार, क्या दिक्कत है यहाँ पर। एंड वीडियो भी रेगुलर आने वाली है, ऐसी नहीं कि भाई वीडियो नहीं आएगी, वीडियो में रेगुलर डालूंगा। तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि फ्री फायर मैक्स तुम लोग खेल सकते हो, लेकिन कुछ बंदे अभी भी चाहेंगे कि भाई फ्री फायर कब तक बैन होगा, ताकि यार अगर जिनका लो एंड फोन से दो 3 GB वाला फोन है वो लोग तो नहीं खेल पाएंगे ना, तो उनके लिए भी बताया था। पहले तो तुम लोग को रीजन बताता हूँ कि भाई आखिर बैन क्यों हुआ, तुम लोग को दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वरना काफी बंदे कुछ भी बोल रहे हैं भाई इल्यूमिनाटी ये है वो है वो है, मतलब यार ज्ञान देने वाले कम नहीं है एंड फैक्ट वाले चैनल तो क्या ही बोले, मेरे को दिमाग घूम गया कल से। अभी चलो मैं तुम लोग को असलियत रीजन बताता हूँ, असलियत रीज़न ये है कि जो हमारी गैरिना कंपनी है ना, गैरिना में ना थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर टेंसेंट का है। अब टेंसेंट में ना क्या है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बोले तो चाइना वाले जो है ना वो टेंसेंट में यहाँ पर पैसा लगाए हैं। पैसा कितना लगाए, 25% यहाँ पर ना शेयर जो है टेंसेंट का वो यहाँ पर चाइना वालों के पास है। एंड टेंसेंट जो है वो पेरेंट कंपनी है गैरिना की, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर गैरिना का और टेंसेंट का यहाँ पर लिंक है। अब तुम लोग को मैं इतना बता दूँ कि यार तुम लोग सिंपल समझो कि जो हमारा फ्री फायर है ना, फ्री फायर को अगर चार भाग में
में काटेंगे ना तो एक भाग जो है वो चाइना वालों के पास है, ठीक है। 25% यहाँ पर शेयर है। तुम लोगों को मैंने बच्चे वाले लैंग्वेज में समझा दिया कि चार भाग में से एक भाग यहाँ पर चाइना वालों के पास है, ठीक है। यार गाइस ये तो तुम लोग को समझ में आएगा कि हमारा गेम का यहाँ पर कुछ भाग जो है वो यहाँ पर चाइना वालों के पास है, चाइना वालों की हिस्सेदारी है गेम के अंदर। ये चाइनीज प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मतलब है, मतलब समझा दिया ना तुम लोग को 25% है। अब यार देखो यहाँ पर भाग होना कोई यहाँ पर गलत बात नहीं, ठीक है, मतलब चाइना वाले इन्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन यार यहाँ पर मेन सीन आता है प्राइवेसी पॉलिसी का। अब यार प्राइवेसी पॉलिसी क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो अगर तुम लोगों ने यहाँ पर गेम को इंस्टॉल किया ना तो गेम के पास ना तुम्हारे पास तुम्हारे जितने भी डेटा है ना, बहुत सारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा वो भी ना गेम के वालों के पास होंगे, जैसे कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर कितने सारे, तुम लोग रिसेंटली किसको कॉल लगा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि माइक का भी वो लोग एक्सेस ले लेते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर वो गेम वाले चाहे ना तो तुम लोग का माइक कभी भी ऑन करके वो लोग तुम्हारे बीच में क्या बातें हो रही है वो भी तुम लोग सुन सकते हैं, या फिर तुम लोग ना अपने दोस्तों के साथ जो भी बात करते हो वो भी वो लोग सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुमको नहीं पता, लेकिन यार वो जो गईना वाले ना उनको पता रहता है, ठीक है। काफ़ी सारा जो तुम्हारा डेटा है वो गईना वाले के पास होता है। आप सपोज करो कि कोई बड़ा इंसान का मतलब बेटा बेटा है या फिर कुछ भी है ना, तो उनका जो डेटा है वो पहुंच जाएगा गईना के पास, एंड गईना का जो 25% शेयर है वो है चाइना के पास, तो ऑटोमेटिकली अगर गईना से चाइना वाले मांगे कि डेटा दो तो वो लोग डेटा दे देंगे, ठीक है। तो ये डेटा का रिस्क है, एंड तुम लोग को पता है कि यार इंडिया और चाइना का यहाँ पर थोड़ा सा सीन रहता है, मतलब वो लोग का रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गाइस यार यहाँ पर जो हमारा गेम है उसको बैन किया गया, क्योंकि यार यहाँ पर चाइना की हिस्सेदारी है एंड चाइना वाले यहाँ से डेटा ले सकते थे, इसलिए गईना फ्री फायर को बैन किया है, ठीक है। इतना तुम लोग को क्लियर समझ में आ गया। एंड जो हमारा पबजी है ना उसको भी सेम एकदम डिटो सेम रीजन था कि भाई चाइना इन्वेस्टमेंट था एंड जो हमारा डेटा था वो सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसको बैन किया। लेकिन यार गाइस तुम लोगों को एक चीज पता है कि जो हमारा पबजी है वो वापस आया था कि नहीं आया था, कुछ महीनों बाद हमारा जो पबजी है वो BGMI बन गया था। BGMI में ना सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको कोई भी बैन नहीं कर सकता, ठीक है। अभी जो हमारा फ्री फायर मैक्स है उसमें सिर्फ यहाँ पर ना सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए गाइस यार वहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं फ्री फायर मैक्स में, इसलिए गाइस फ्री फायर मैक्स भी अभी बैन नहीं हुआ। एंड कुछ दिनों के अंदर ना, कुछ महीनों के अंदर जो हमारा गईना फ्री फायर है वो भी रिटर्न में आने वाला है। गईना फ्री फायर को अच्छे से बात पता है कि इंडिया बहुत ही बड़ी मार्केट है, यहाँ पर ना टोटल यहाँ पर 256 करोड़ का यहाँ पर बिजनेस किया है एक साल के अंदर गईना फ्री फायर ने। सोचो इतना बड़ा मार्केट है, तो वो लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं भाई, वो लोग को पैसा कमाना है, इसलिए वो लोग दोबारा से आएंगे। एंड जो हमारा चाइना है ना उसको लात मार के निकाल देंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, हमारा गेम हमको प्यारा है। उसके बाद वो लोग दोबारा से एंट्री मारने वाले कुछ महीनों के अंदर। अब यार कितने महीने वो मैं तुम लोग को एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं फैक्ट चैनल नहीं हूँ, फैक्ट चैनल वालों को ज़्यादा जानकारी रहती है। मतलब यार क्या ही बोलूँ, मतलब देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि भाई देखो एक दो महीने के अंदर अंदर ना यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो रिटर्न में आ जाएगा। एंड जब तक नहीं आता ना तुम लोग क्या करो, फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करो, फ्री फायर मैक्स करो, एंड फ्री फायर मैक्स के ऊपर मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, ठीक है। तो ये बात मैंने तुम लोग को सब कुछ क्लियर बता दिया, तो होप करता हूँ तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो यार अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।